ऑलराइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे कि क्राइम में और ऑफेंस में क्या फ़र्क होता है। तो यार देखो, जो क्राइम है ना, फर्स्ट बात, क्राइम बड़ी टर्म होती है, बड़ी और जो वो है ऑफेंस है वो एक छोटा टर्म है। जैसे कि मान लो फ्रूट, फ्रूट क्या है, बड़ी टर्म है, उसमें सब आ गए। अब सेब, सेब एक पर्टिकुलर फ्रूट है, तो ऐसे ही ऑफेंस एक पर्टिकुलर है, क्राइम बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखो डिफरेंस समझो, डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो आईपीसी है, ठीक है, इंडियन पेनल कोड 1860। अब इसमें क्या है, ऑफेंस दिए हुए हैं। ऑफेंस मतलब जो चीज़ समाज में होती है वो क्राइम बना दी, मतलब ऑफेंस बना दी। अब क्राइम क्या है, इसको ना एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो किसी लड़के ने लड़की को छेड़ दिया, लड़के ने लड़की को छेड़ दिया, तो ये आईपीसी में ऑफेंस बनाया हुआ है, 354 का, 354 सी डी, ठीक है, बी ए, मतलब उसको छेड़ने का या फिर उसका स्टॉक करने का। लेकिन अब मान लो कोई लड़की लड़के को छेड़े, हालांकि तो एक क्राइम है, देखो तुम्हारी नज़रों में तो क्राइम है ना, कोई लड़की मान लो लड़के को गाली दे रही है या फिर उसको छेड़ रही है, और तेरा कैसा है माल ऐसे, मतलब समझ रहे हो, तो वो एक क्राइम है, लेकिन वो ऑफेंस नहीं है, यानी आईपीसी में वो प्रोविज़न नहीं दिए हुए। तो कहने का मतलब ये है, जब प्रोविज़न बन जाते हैं ना किसी पर्टिकुलर एक्ट में, फिर वो ऑफेंस हो जाता है, अदरवाइज़ वो क्राइम होता है। अब जैसे मान लो कोई लड़की लड़के को छेड़ती है, हालांकि ये गलत है, क्राइम है ये, लेकिन ये ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस तब बनता है जब वो पनिशेबल हो जाए किसी पर्टिकुलर एक्ट में। तो यही फ़र्क है क्राइम में और ऑफेंस में। समझ गए, तो आई होप इट इज क्लियर। बाय। महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बेनी बाप।